नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सभी का खैर मकदम करती हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि पिछले 3 दिन पहले लखनऊ से ATS ने एक दो ऐसे लोगों को पकड़ा था जो मूक और बधिर बच्चों को उनका धर्म परिवर्तन करके उनको देश के विरुद्ध बातें सिखा रहे थे। और आज ATS ने धर्मांतरण के प्रकरण में एक बड़ा खुलासा किया है और उन्हें इस बात के सबूत मिले हैं कि बहुत बड़ी संख्या में मूक बधिर बच्चों का धर्म परिवर्तन कराने के पीछे इन्हें आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाना था। दरअसल धर्मांतरण के गिरोह के निशाने पे मूक बधिर बच्चे इसलिए भी थे क्योंकि इन बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। इनको पढ़ाने की टेक्निक जो है वो अलग होती है, उनको इशारों से पढ़ाया जाता है, उनको कई मशीनों के जरिए पढ़ाया जाता है। इन्हें पढ़ाने के लिए इस गिरोह ने अलग से टीचर रखे हुए थे और यही टीचर इनको इनका ब्रेन वॉश करते थे, इन्हें हिंदू से मुस्लिम बनाते थे और उनको मुस्लिम बनने के बाद आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन इससे पहले ही इसका जो है भंडाफोड़ हो जाता है। ATS जो दो मेन लोग होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है और एक आतंकी संगठन को लेकर के UPUTS ने खुफिया एजेंसियों से अपना कांटेक्ट भी किया हुआ है और वो एक पल पल की चीज़ों पे नज़र रखे हुए हैं। अब इस मामले को टेरर एंगल से भी देखा जा रहा है क्योंकि CM योगी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। CM ने इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि जांच एजेंसियां देश की सुरक्षा और आस्था के साथ जो खेलने वाले लोग हैं उनके साथ सख्ती से निपटें। धर्मांतरण के रैकेट के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़े हुए देख करके ATS और भी ज़्यादा एक्टिव हो गई है। एक आतंकी संगठन को लेकर के UPATS ने यह खुलासा किया कि जो लखनऊ में गतिविधियां चल रही थी उन सब के पीछे पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो इससे जुड़ी हुई हैं। ये भी कहा जा रहा है कि अब तक जो जांच हुई है उसमें धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग भी आ रही थी और टेरर ग्रुप से भी फंडिंग मिलने की बात सामने आ चुकी है। टेरर फंडिंग के भी एजेंसियों के प्रमाण मिले हैं, लिहाजा इस सूचना को देश के दूसरी एजेंसियों के साथ भी शेयर किया जा रहा है कि इनका नेटवर्क कहाँ कहाँ फैला हुआ है। खुद हिंदू से मुस्लिम बने उमर गौतम अब तक देश के 24 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में अवैध तरीके से धर्मांतरण करा चुके हैं। दिल्ली का बाटला हाउस इलाका इनका मेन जो है सेंटर है। इसके साथ ही UPATS ने 150 लोगों की सूची UP पुलिस को सौंपी है। ये वो लोग हैं जो हिंदू से मुस्लिम बने हैं। इनमें करीब 50 सिर्फ UP के ही फतेहपुर ज़िले के रहने वाले हैं। हिंदू होने की वजह से इनकी पहुंच हिंदुओं में ज़्यादा थी, लिहाजा ये हिंदुओं को प्रभावित कर पाते थे। इसी का फ़ायदा इस ग्रोह ने हिंदू, ईसाई, जैन और सिख परिवारों को बच्चों का बड़ी संख्या में धर्मांतरण कराने में प्रयोग किया। और ये चीज़ अभी यहीं ख़त्म नहीं होती है। ATS ये जानने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से उन्होंने बाटला हाउस को अंडरलाइन किया है, इसी तरीके से देश के और कई इलाकों में भी इनके नेटवर्क हो सकते हैं, इनके सेंटर हो सकते हैं। उन सब जगहों पे इनकी टीमें पहुंच रही हैं। लगातार इसमें कोई ना कोई खुलासा हर दिन हो रहा है क्योंकि दिल्ली के क्षमा करें यूपी के CM योगी खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको मेरा कंटेंट कैसा लगा आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।